साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं देता, ये नया भारत है गर्म में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपेट करके उनके शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था, आज वो सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। दिल्ली में बैठे इनके नेताओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहाँ है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी कोई अच्छा अफसर यहां आने को तैयार नहीं, ये हाल बना के रखा। आपने मुझे 2014 में सेवा का मौका दिया, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले हैं, यहां के लोगों के भी सपने हैं, यहां के लोगों की भी आकांक्षा है।
मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रहूंगा। पहले अफसर ऐसे जिलों में आने से डरते थे, अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए मुझे तैनात किया जाता था। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए, पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे, आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीब पक्का घर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग मिल सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, तीसरे टर्म में जब मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका घर पक्का बना करके दे दूंगा। और आप लोग भी मुझे जानते हो नहीं जानते हो, आप मान लीजिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं, जाके गारंटी दे देना। आकांक्षी जिला ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहां 100 में से 80 परिवार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे, ये भी आंकड़ा याद रखिए, 100 में से 80 परिवार अंधेरे में। आज पलामू के हर घर हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू की 100 में 3 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था, आज यहां हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है।